Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is Ghayyas Ahmed from Learn Pashto Language YouTube channel. Today we are going to discuss transitive verbs in the simple past tense. So let's begin. In English we say, I ate an apple. Maine ek sep khaya. Ma, maine. Apne baare mein baat ho rahi hai past tense mein. Yava, ek. माणा सेब को कहते हैं ओखवाड़ा खाया माँ यवा माणा ओखवाड़ा मैंने एक सेब खाया और हम ये भी कह सकते हैं माँ यव यव सेव ओखड़ो यव एक सेव सेब ओखड़ो खाया देखें जहाँ एंड में है का इस्तेमाल हो यवा यानी छोटी है आए वो अल्फाज जो हैं वो मुअन्नस होंगे फेमिनन होंगे और फेमिनन के साथ हमेशा है का इस्तेमाल एंड में आएगा और मैस्कुलिन का आप देख सकते हैं जैसा कि सेव जो है ना सेव ये मैस्कुलिन है अब माणा माणा के एंड में देखें छोटी है आ रही है ये मैस्कुलिन है इसलिए यव से यवा आएगा यहाँ ठीक है यव मुजक्कर के लिए यवा मुअन्नस के लिए सेव मुजक्कर गिना जाता है गर्दाना जाता है पश्तों में और माणा चूँकि है छोटी इसमें एंड पे इसलिए ये मुअन्नस है माँ यव सेव ओखवाड़ो ओखवाड़ो अड़े ये आर अड़े की आवाज़ दे रहा है यू एट ए बनाना तुम या आप तुम अगर इनफॉर्मल बात कर रहे हो तो तुम का इस्तेमाल करेंगे आप फॉर्मली बात करना ने एक केला खाया तो तुम तासु आप यवा एक केला केला ओखड़ा खाया ता यवा केला ओखड़ा मतलब तुमने ता यवा तुमने एक केला केला ओखड़ा खाया या तासु आपने यवा एक केला केला ओखड़ा खाया ही एट वन पोटैटो उसने एक आलू खाया उसने हागा मुजक्कर के बारे में बात हो रही है इसलिए हमने हागा का इस्तेमाल किया देखिए जुमले के आगाज़ में जब भी हम बात करेंगे और लफ्ज़ वो का इस्तेमाल करेंगे वो मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस दोनों के लिए वो ही इस्तेमाल होता है उर्दू में पश्तो में भी उसके लिए सेम ही चीज़ यूज़ होती है वो के लिए हागा ठीक है वो है तो हागा दे से पता लगा हमें कि मुज़क्कर के बारे में बात हो रही हागा दा मुअन्नस के लिए ठीक है और हागी उसका के लिए यूज़ होता है उसका उसकी के लिए या उसने उस अब देखें जो कि यहाँ उसने लिखा है ना हागा ये हागा का इस्तेमाल हुआ है मुज़क्कर के लिए यव एक अलू आलू खाया ओखड़ो ओखड़ो हागा यव अलू ओखड़ो शी एट अ मैंगो उसने एक आम खाया हागी देखें यहाँ हागी का इस्तेमाल हुआ है उसने हागी उसने यव एक आम मैंगो आम खाया ओखड़ो हागी यव आम ओखड़ो वी एट फूड हमने खाना खाया मूंग रोटी ओखड़ा मूंग हमने रोटी खाना खाया ओखड़ा मूंग रोटी ओखड़ा हमने खाना खाया दे एट पियर्स उन्होंने नाशपाती खाई हागुई उन्होंने नशपाते नशपाती ओखड़ा खाई और ओखड़ला लफ्ज़ भी यूज़ होता है खाई के लिए ओखड़ा या ओखड़ला डिड यू ईट क्या तुमने खाया आया था ओखड़ा क्या तुमने खाया आया क्या था तुमने ओखड़ा खाया आया था ओखड़ा देखें इनमें आप डिफरेंस देखें ने के लिए कोई सेपरेट वर्ड यूज़ नहीं हुआ जहाँ भी देखें इस्तेमाल हुआ है स्टार्ट से वीडियो को देख लें
इसमें हर जगह पे उसकी साउंड में थोड़ी सी आ की आवाज़ को लंबा कर दिया है, जैसे माँ, ठीक है, माँ, इसमें एक अलिफ एक्स्ट्रा हो गया, यानी मद सा यूज़ हुआ है, यानी हम वैसे तुम के लिए जो है ना तो यूज़ करते हैं ना, जबकि यहाँ देखें मैं इस्तेमाल करते हुए जब प्रोनाउंस करता हूँ तब कहते हैं ता, तासो, ठीक है, वैसे कहते हैं ना तासो, ता, ठीक है, हागा, हागी, मुंग, हागुई, ठीक है। हम आए थे इस जगह पर, आया था ओखड़ा, क्या तुमने खाया? यस आई एट, हाँ मैंने खाया या खा लिया। आओ, हाँ, माँ ओखड़ा, मैंने खाया या खा लिया, दोनों के लिए ओखड़ा या ओखड़ाला इस्तेमाल होगा। डिड शी एट मैंगोज़, क्या उसने बहुत से आम खाए? मैनी मैंगोज़, बहुत से आम खाए। आया क्या उसने हगी, डेर, बहुत, मुजक्कर के लिए, डेरा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, डेर मुजक्कर के लिए। अमूना, बहुत से आम, जमा है अमूना, आम सिंगुलर है और अमूना प्लूरल। उखड़ल खाए या उखड़ू, उखड़ू जमा के लिए इस्तेमाल होता है। देखें आपने देखा पहले मैं कह रहा था उखड़ा मुअन्नस के लिए, उखड़ू मुजक्कर के लिए और उखड़ू प्लूरल के लिए। डिड ही ईट एन एप्पल, क्या इसने एक सेब खाया? आया क्या द इसने, यवा एक, यवा इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मड़ा का इस्तेमाल हुआ है और मड़ा मुअन्नस है। उखड़ा या उखड़ला खाया, और अगर हम कहें मुजक्कर लफ्ज़ सेव का इस्तेमाल तो फिर होगा आया क्या द इसने, यव एक, सेव सेब, उखड़ो या उखड़लो। सेव और मड़ा दोनों एक ही चीज़ है, बास लोग सेव कहते हैं बास लोग मड़ा। ही ईट्स अ लॉट ऑफ एप्पल्स, उसने ढेर सारे सेब खाए। हाँ उसने ढेर ढेर सारे, ढेर शे बहुत सारे, मणि सेब, खाए उखड़ी, उखड़ी खाए उखड़ी या उखड़ले, चूँकि मुअन्नस है पश्तो में सेब और उसकी जमा होगा उखड़ी, प्लूरल फेमिनिन के लिए उखड़े। अगर ढेर शे सेवान उखड़ू या उखड़ल, प्लूरल मैस्कुलिन के लिए उखड़ू। अगर उसने ढेर बहुत बहुत, ढेर बहुत मुजक्कर और डेरा मुअन्नस, शे बहुत सारे, ढेर शे बहुत सारे, सेवान सेब। अब इस सबक में जितने भी जुमलों के जितने जुमले हैं पश्तो के इस्तेमाल हुए हैं उसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मा यवा माणा उखवाड़ा, मा यव सेव उखवाड़ो, ता या तासो, यवा केला उखवाड़ा, हागा यव अलू उखवाड़ो, हागी यव अम उखवाड़ो, मुंग रोटई उखवाड़ा, रोटई मुअन्नस है इसलिए उखवाड़ा, अम मुजक्कर है इसलिए उखवाड़ो सिंगुलर के लिए, हागोई नशपाते उखवाड़ा मुजक्कर और मुअन्नस और सिंगुलर के लिए, या उखवाड़ला। आया था उखवाड़ा, क्या तुमने खाया? मुअन्नस के लिए। आओ माँ उखवाड़ा, हाँ मैंने खाया या खा लिया। आया हगे ढेर अमूना उखवाड़ल या उखड़ू, उखड़ू प्लूरल और अमूना आया दा यवा मणा उखवाड़ा या उखवाड़ला। आया द यवा मणा उखवाड़ा या उखवाड़ला। आया द यव सेव उखवाड़ो या उखवाड़लो। हागर डेर शे मणि उखवाड़े या उखवाड़ले। हागर डेर शे सेवान उखवाड़ू या उखवाड़ल। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर दें, इस पे काफ़ी मेहनत सिर्फ होती है वीडियो बनाने में,
और अपलोडिंग पर भी अच्छा खासा डेटा सर्व हुआ है, तो एक लाइक तो बनता है बॉस। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप की जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको फॉलो करते हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें नए सबक के साथ फिर हाजिर होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।